लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते खुदाई के दौरान फूटी पाइपलाइन से आज सुबह करीब 30 वार्डों में पेयजल सप्लाई प्रभावित रही। वही मौके पर पहुंचे महापौर धीरज बाकरीवाल ने फूटी पाइपलाइन की मरम्मत के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा मंगलवार रात मालवी नगर चौक और बुधवार शाम दवे पेट्रोल पंप के सामने नाली निर्माण के लिए खुदाई के दौरान पानी सप्लाई लाइन को फोड़ दिया गया। दवे पेट्रोल पंप के सामने पाइपलाइन फूटने की वजह से सुबह शहर के करीब 30 वार्डों में पेयजल सप्लाई बाधित रही। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल ने नाराजगी जताते हुए इस मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की। गौरतलब है कि दुर्ग निगम क्षेत्र में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा रात को मालवी चौक पर पाइपलाइन फोड़ दी गई थी। यह चौड़ीकरण के लिए सड़क की खुदाई की जा रही थी। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे के आसपास दवे पेट्रोल पंप के सामने नाली निर्माण के लिए खुदाई करते समय पानी सप्लाई वाली मुख्य पाइपलाइन को फोड़ दिया गया। पाइपलाइन फूटते ही सड़क पर पानी बहने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही निगम के जलगृह विभाग ने पानी सप्लाई को बंद किया। वहीं मौके पर पहुंचे महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के जलगृह विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों से वस्तु स्थिति की जायजा लिया और फूटी पाइपलाइन के मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा खुदाई से पहले नगर निगम को जानकारी नहीं दी जाती है। उनकी मनमानी की वजह से आए दिन पाइपलाइन फूट रही है और शहरवासियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।